ये है 2024 की ऑल न्यू हीरो HF डिलेक्स। अब भाई आप बोलोगे कि ये 2024 की क्यों है, तो पहले आपको हम दिखाते हैं एक चीज़ जो सब सिर्फ दिखा रहे हैं, वो ये है E20। ठीक है, E20 माने होता क्या है? तो यार जो इसका एग्जॉस्ट है ये आपको काफ़ी नॉर्मल सा लगेगा। पहले इसमें आपको मिलता था कैटलेटिक कन्वर्टर, वो आपको अभी भी मिलेगा, ये पीछे है। तो इसमें जो है भाई पहले आपको एक वायर दिखता था जस्ट बगल में, वो कंपनी ने हटा लिया है और वो वायर अब यहाँ पर आ चुका है। मतलब इसका जो हेड कैम सॉफ्ट है, उसकी जो ये सॉफ्ट है जहाँ पर प्लग है, जहाँ पे आग जलती है, पिस्टन यहाँ पर कूदता है और आग यहाँ पर जलती है, तो जो सेंसर है वो यहाँ पर आ चुका है। और इस गाड़ी में अब आपको दो O2 सेंसर मिल जाते हैं, जिससे कि ये गाड़ी E20 कंपेटेबल हो गई। और इसमें जो है कुछ अच्छे एड ऑन भी किए गए हैं, जो कि भाई पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव के बारे में भी बात करेंगे, पॉजिटिव के बारे में पहले बात करेंगे, वो अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यार इससे फ़ायदा क्या है ना, कि जो आपका भाई पेट्रोल है वो थोड़ा सा बचेगा, माइलेज अच्छी मिलेगी और ये जो कॉस्ट है साइलेंसर की ये कम आएगी। ठीक है, अब आते हैं गाड़ी के लुक्स पे। तो जो लुक है ना गाड़ी का, वो ओवरऑल ऐसा रहने वाला है। यह बाइक जो है पूरी फुल ब्लैक में आती है। इसमें जो है शायद 2-3 कलर ऑप्शन आने वाले हैं, मतलब ग्राफिक के 3 कलर आएंगे, जो कि ब्लैक, रेड, ब्लैक, ब्लू और ऐसे कुछ ग्राफिक्स के ऑप्शन आएंगे। इसके जो ग्रैब रेल है वो आपको मिल जाएगा प्लास्टिक का, ये एल्यूमिनियम नहीं है, ये प्लास्टिक का है जो कि मैट में रहने वाला है। सीट जो है वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी चौड़ी, काफ़ी अच्छी कुशनिंग के साथ मिलेगी। बाकी यार बाइक के जो टेल लाइट हैं वो कुछ आपको ऐसे मिलने वाले हैं हेलोजन के साथ, यहाँ पर आपको मिलेगी हीरो की ब्रांडिंग ग्राफिक वर्क में। इधर जो है आपको मिल जाएंगे ब्लिंकर्स हेलोजन के, बाकी नंबर प्लेट यहाँ पर प्लेस होगी और यहाँ पर आपको मिलेगा रिफ्लेक्टर लाइट, कोई भी नहीं लगी है नंबर प्लेट के लिए। बाकी सी फेंडर या फिर भाई मिडगार्ड बोल लो, तो वो कुछ आपको ऐसा मिलेगा। एग्जॉस्ट जो है वो आपको फुल ब्लैक मिलने वाला है, क्रोम का यूज़ बहुत ही कम मिलेगा। बाकी साउंड काफ़ी लाइट प्रोवाइड करा देती है। और हाँ, इस गाड़ी में जो है भाई पहले ट्यूबलेस टायर नहीं आते थे, तो अब जो है इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाएंगे HF डिलेक्स में भी। और जो टायर की प्रोफाइल है वो आपको शायद मिलती है 8018 की, जी हाँ, तो इसमें पीछे आपको टायर मिल जाते हैं 8018 के। बाकी यार भाई जो ब्रांड है वो आप देख लो, तो थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग कंपनी कर रही है। बाकी यहाँ जो फुटपेजेस हैं पिलियन के और राइडर के, वो आपको फोल्डेबल मिल जाएंगे। गाड़ी का जो इंजन है वो आपको हॉरिजेंटल मिलेगा 97cc के साथ। माइलेज जो है ये आपको 75-80 का माइलेज इजीली दे देगी। टॉप स्पीड आपको 90-93 दे देती है। गाड़ी के जो साइड के पैनल्स हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे HF डिलेक्स के ब्रांडिंग, जो कि 3D में रहेगी। ये वेरिएंट जो है भाई I3S का नहीं है, लेकिन इसमें आपको I3S मिल जाता है। बाकी यार स्विचेस जो है वो आपको दिखा देते हैं, तो ये रहा, सिर्फ I3S तो है नहीं। बाकी इधर आपको मिल जाता है हॉर्न, इंडिकेटर, पास, ठीक है। और इसका जो स्पीडोमीटर है वो आपको फुली एनालॉग मिलता है, लेकिन भाई बहुत ही जल्द इसमें भी आपको फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा। अभी जो मिल रहा है वो देख लो। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा स्पीड, किलोमीटर, स्टैंड, बाकी चाबी यहाँ पर लगेगी, इंडिकेटर से यहाँ पर लगेंगे। इधर रहने वाला है न्यूट्रल, माल फंक्शन और हजार्ड। बाकी यहाँ जो गाड़ी का भाई फ्रंट लुक है, इसमें आपको मिल जाएगा फ्रंट में ड्रम ब्रेक, जो कि 130mm के साथ आता है। पीछे भी आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है 130mm के साथ। और ये गाड़ी जो है CBS के साथ आती है। फ्रंट की जो टायर की प्रोफाइल है वो भी आपको सेम मिलेगी 8018 की। रिफ्लेक्टर जो है वो कुछ आपको ऐसे मिलने वाले हैं, और भाई हजार्ड नहीं मिलता है, कोई आ गया था तो थोड़ा सा मन जो है यहाँ वहाँ भटक गया था। बाकी इसमें जो है आपको सेल्फ स्टार्ट भी मिल जाता है। फ्रंट के जो लुक है वो कुछ आपको वैसे मिलने वाले हैं। आगे आपको मिल जाता है हेलोजन का हेडलाइट, हेलोजन के ब्लिंकर्स। बाकी यार भाई यहाँ पे आपको मिल जाता है हीरो का 3D में लोगो। और ये गाड़ी पूरी प्लेन में रहने वाली है, तो गाड़ी का पूरा फुल लुक ले लो। फ्रंट में मिलने वाले हैं टेलीस्कोपिक के फोर्क, पीछे आपको मिल जाता है ट्विन शॉक, ठीक है। बाकी यार जो भाई गाड़ी की प्राइसिंग वगैरह है, उसके लिए भाई आप लोग शोरूम पर कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। नीचे जो है भाई मैं शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस दे रहा हूँ। और ये शोरूम UP में है, प्रतापगढ़ ज़िले में। बाकी यार शोरूम हाल ही में रिनोवेट हुआ है भाई, इसीलिए यहाँ पर बहुत दिन बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो एक बार ज़रूर यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको भी खुशी मिल जाएगी और हमें भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं बाद में, चलो बाय।